गुड मॉर्निंग क्लास 10th ए. माई लास्ट चैप्टर इज कम्प्लीटेड. द नेम ऑफ द चैप्टर वॉज द मैडम राइड द बस. कम्प्लीटेड है. और नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई न्यू चैप्टर. द नेम ऑफ द न्यू चैप्टर इज द सरमन एट बनारसिस. ठीक है, आइए बच्चे देखिए, ये हम आपको चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. आइए, गौतम बुद्धा 483 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, 563 बिफोर क्राइस्ट, 483 इससे पहले गौतम बुद्धा बिगन लाइफ एज प्रिंस नेम्ड सिद्धार्था गौतम. उन्होंने अपना जीवन जो है बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट 563 से लेकर 483 के बीच का जो समय था, गौतम बुद्धा ने अपना जीवन एक राजकुमार के रूप में स्टार्ट किया. सिद्धार्थ गौतम, आपको पता होगा ये गौतम सिद्धार्थ जो आपका है, ये गौतम जो सिद्धार्थ का बचपन का नाम गौतम था. और ये बहुत ही प्रिंसली लॉ में पढ़े बढ़े थे. इनके फादर जो थे वो राजा थे, तो सुदोधन जो थे वो इनको घर से बाहर निकलने नहीं देते थे. तो इनकी इन्होंने कभी बाहर की चीज़ों के बारे में जाना ही नहीं कि क्या कष्ट है, क्या खुशी है, क्या कुछ भी इनसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बाहर की दुनिया से इनके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे. फिर एक बार सिद्धार्थ ने सोचा कि ये बड़े हो रहे हैं तो इनको हम बाहर की थोड़ी दुनिया देखें. तो पहली उन्होंने उनको पहले बार उन्होंने सारथी चन्ना के साथ बाहर भेजा. तो पहली जो उसमें गए तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला. तो उसको देखकर इनका मन विचलित हो गया. उन्होंने चन्ना से पूछा इसको क्या हुआ है. इन्होंने कहा इसको बुढ़ापा है. यह व्यक्ति ज़्यादा उम्र तक जीता है तो उसके अंदर बुढ़ापा आता है उसके, और उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था. फिर बोले ठीक है, मेरा मन खराब हो गया है, वापस ले चलो, मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं देखना है. यहाँ मतलब इतनी दुनिया खराब है, इतने लोग कष्ट पीड़ित है ये वो. फिर दूसरे दिन फिर राजा सुदोधन ने बहुत अच्छे से डेकोरेट करवाया पूरी कपिल वस्तु पूरी अच्छे से, और उनको फिर भेजा कि जाओ अच्छा आज इनको लेके जाओ. तो गए लेके फिर देखा, तो पहले देखा तो एक बहुत बीमार आदमी चला आ रहा था. बोले इसको क्या, बोले बीमारी है और ये लड़खड़ा कर चल रहा था, मार खांस पास रहा था. फिर उसके बाद आगे बढ़े तो बोले अब रथ वापस ले चलो, मुझे नहीं कुछ देखना है. आगे बढ़े तो एक डेड बॉडी आ रही थी, उसका जलसा जा रहा था. तो डेड बॉडी को पूछ लिया कि जा रहा है, उन्होंने कहा ये व्यक्ति मर गया. बोले ये क्या होता है, बोले जो व्यक्ति दुनिया में आता है वो मरता भी है. तो समझाने लगा तो गौतम बुद्ध को फिर बहुत वैराग उत्पन्न हो गया. बोले वैसे सुभाष से वो वैराग्य वाले थे. फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमें, फिर उन्होंने राजा सुदोधन ने सोचा कि इसकी शादी कर दें, शायद इसका मन जो है ये भटकता है ये ठीक हो जाए. उन्होंने उनकी शादी की तो फिर भी उनका मन विचलित हो गया. फिर एक रात वो अपने बच्चे को छोड़कर और अपना घर महल और इस सब का सुख छोड़कर वो चले गए. फिर उन्होंने जाकर ज्ञान प्राप्त किया. यह है आपका सरमन एट बनारसिस. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय चैप्टर. गौतम बुद्ध बीसी, ये आपका हो गया. बिगन लाइफ एट प्रिंस नेम्ड सिद्धार्था गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया. गौतम बुद्ध ने उत्तरी भारत में अपना अपना जीवन जो है एक राजकुमार यानी सिद्धार्थ गौतम के नाम से अपना जीवन जो है वो लाइफ जो है वो शुरू की. एट 10 जब वो 12 वर्ष के थे, ही वॉज सेंट अवे फ्रॉम स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 ईयर्स लेटर. जब वो 12 वर्ष के थे तब वो स्कूलिंग के लिए यानी शिक्षा के लिए भेजे गए. हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 ईयर्स वो स्कूलिंग के लिए भेजे गए, यानी वो भारतीय पवित्र स्तूपों के जहाँ पर ये जगह पे थी मठ वगैरह में वहाँ भेजे गए. आफ्टर 4 ईयर्स 4 वर्ष बाद ही रिटर्न होम टू मैरी टू अ प्रिंसेस. और 4 वर्ष बाद क्या हुआ कि जो वो भेजे गए वो राजकुमार जैसे वो प्रारंभ से मतलब 12 वर्ष की आयु में उन्हें पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए भेजा गया. ठीक है ना, हिंदू स्क्रिप्चर्स यानी धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए भेजा गया. और फिर उसके बाद वो 4 वर्ष के पश्चात लौट कर उन्होंने राजकुमारी से विवाह किया. ठीक है, फिर उनका विवाह जो था वो राजकुमारी से कर दिया गया. फिर आगे देखिए, 12 वर्ष की आयु में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स. 12 वर्ष की आयु में उन्हें स्कूलिंग पढ़ने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए भेजा गया. एंड 4 ईयर्स लेटर, और फिर 4 साल बाद वो जब लौट के घर वापस आए तो उनकी एक राजकुमारी से शादी कर दी गई. दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 ईयर्स एज बिफिटेड रॉयल्टी. उनके एक बेटा हुआ और वो 10 साल तक बिल्कुल राजसी ठाटबाट से जिए. एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब उनकी एज लगभग 25 यानी 25 साल की हो गई, द प्रिंस देयर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. तो उन्होंने संसार की कष्टों और दुखों के बारे में उन्होंने जाना. एंड ऑफ द वर्ल्ड वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन. जब एक बार वो शिकार खेलने गए तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा. देन वन मतलब उनके पिताजी ने उनको
बाहर भी जा शिकार खेलने के लिए चन्ना के साथ सारथी के साथ, कि जो इन्हें बाहर की दुनिया दिखा के लाओ जाके। तो जब वो शिकार खेलने गए, हंटिंग के लिए गए, तो उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, देन एन एजेड मैन, उसके बाद एक एजेड यानी बूढ़े आदमी को देखा, एंड देन ए फ्यूनरल प्रोसेस, फिर उसके बाद उन्होंने क्या देखा, एक दाह संस्कार को देखा, एंड फाइनली ए मॉन्क बिगेन फॉर हेल्प्स, और अंत में उन्हें जो था वो ए मॉन्क बेगिंग फॉर, फिर उन्होंने अंत में देखा कि एक भिक्षु जो है वो भिक्षा मांग रहा है। These sights too so moved him. इन सब दृश्यों ने उन्हें इतना अधिक विचलित कर दिया, इतना अधिक विचलित कर दिया, that he at once became a beggar, कि अंत में वो एक भिखारी बन गए, and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. और अंत में वो जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, एंड सारोज हियर जो कुछ उन्होंने देखा था उन सब के बारे में फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ही वेंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ फिग ट्री, वो 7 वर्ष तक तो पहले भटकते रहे, फिर वो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। ही रिनेम्ड दैट ट्री द बोट्री, और उस पेड़ का जो नाम उन्होंने दिया, उनका क्या नाम दिया, बोट्री यानी ट्रिया विजडम, ज्ञान का पेड़ के, ज्ञान वृक्ष के नाम से उन्होंने उसका नाम दिया। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, फिर उन्होंने लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपनी हर बात को उन लोगों से शेयर करते थे एंड सहभागी होते थे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और इसी रूप में या इस तरीके से वो बुद्धा के नाम से जाने जाने लगे। एंड अवेकन एंड एनलाइटेंड, ज्ञान देने वाले और दूसरों को प्रकाशित करने वाले बुद्धा के नाम से जाने जाने लगे। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन जो था, सर्मन माने प्रवचन जो था, वो बनारस में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस फॉर रिवर गंगास, ये गंगा नदी के लिए और भी बहुत सी चीजों के लिए बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। दैट सर्मन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर, और ये जो उनका प्रवचन जो था वो सुरक्षित था और यहाँ पर दिया गया। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धास विजडम, उसने बुद्धा के ज्ञान को रिफ्लेक्ट किया यानी प्रकाशित किया। एंड अबाउट वन स्क्रिप्टेबल काइंड ऑफ सफरिंग्स, और उन्होंने अपने प्रवचन को संरक्षित किया जहाँ और यहाँ छपा है, क्या है कि जीवन के दुरूप कष्ट के बारे में बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है, और यह जीवन के अत्यधिक कठिन कष्ट के बारे में बुद्ध के जीवन को क्या करता है, प्रकाशित करता है। अब आगे आइए बच्चे देखिए, कीशा गोस्वामी, समझ में आया, कीशा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड, कीशा गौतमी के केवल एक पुत्र था और वह मर गया था। इन हर ग्रीव सी क्राइड द डेड चाइल्ड टू ऑल नेबर्स, और अपने दुख में वह अपने मरे हुए बच्चों को लेकर सभी पड़ोसियों के पास दवा पूछने के लिए गई। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में सी कैरीड द डेड चाइल्ड, अपने मरे हुए बच्चे को लेकर टू ऑल नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों के पास, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, उसके लिए दवा पूछने के लिए गई। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने कहा, सी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, और लोग क्या कहते थे कि इसका दिमाग खराब हो गया है यानी पागल हो गई है। द बॉय डेड, इसका लड़का मर गया है। एट लेंथ, अंत में कीशा गौतमी मेट अ मैन, अंत में कीशा गौतमी एक आदमी से मिली, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कोई भी औषधि नहीं दे सकता, बट आई नो द फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं इतने वैद्य को जानता हूँ जो तुम्हें दवा दे सकता है। मैं नहीं दे सकता, बट आई नो द नो फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ, एक ऐसे वैद्य को जानता हूँ जो आपको दवा दे सकता है, जो आपको दवा दे सकता है। मिस एंड का गर्ल सेड, और उस लड़की ने कहा, प्रे टेल मी, और उस लड़की ने कहा, कृपया मुझे, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बता दीजिए सर, श्रीमान मुझे बता दीजिए, हु इज इट, वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने उत्तर दिया, गो टू सालयामुनी, सालयामुनी क्या कहा, गो टू सालयामुनी एंड द बुद्धा, उन्होंने कहा कि सालयामुनी, हाँ सालयामुनी ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उत्तर दिया आदमी ने कि सालयामुनी बुद्ध के पास जाओ। उन्होंने क्या बताया कि सालयामुनी बुद्ध के पास जाओ। कीशा गोस्वामी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, जो कीशा गौतमी थी वो बुद्धा के पास गई एंड
and cried और जाकर रोने लगी लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय. क्या कहा उसने जाकर, वो जो थी वो मतलब रोने लगी जाकर और चिल्लाने लगी. क्या कहने लगी है, कहने लगी अरे मुझे अरे लाल गिद्धा मेरे मालिक मुझे वो औसत दो जो मेरे पुत्र को ठीक कर दे. गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे वो मेडिसिन दीजिए जो मेरे बच्चे को मेरे बेटे को ठीक कर दे. द बुद्धा आंसर्ड आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. बुद्धा ने उत्तर दिया कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए. मस्टर्ड सीड्स माने सरसों के दाने चाहिए. एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोस्टोर इट, एंड कहते व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड, कहते और जब लड़की ने खुश होकर ऐसा करने का वचन दिया तो बुद्ध ने क्या कहा, बुद्धा स्टेटेड, बुद्धा ने कहा द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस. कि तब बुद्धा जब उसने हंस के कहा हाँ ठीक है वचन दिया तो मैं आपका ये काम पूरा कर दूंगी, तो गौतम बुद्ध ने कहा क्या कहा कि द मस्टर्ड सीड, क्या कहा, मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, मस्टर्ड से सरसों के दाने उस घर से लाने होंगे वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, जहां पर किसी भी बच्चे की मृत्यु, किसी भी बच्चे की हस्बैंड की या उसके माता पिता की या उसका किसी भी फ्रेंड की मृत्यु ना हुई हो. क्या कहा गौतम बुद्ध ने उसके साथ एक शर्त लगा दी कि लेकिन मस्टर्ड सीड तुम्हें उस घर से लाने होंगे जिसके घर में ना तो कोई बच्चा ना उसका हस्बैंड ना उसके माता पिता या ना उसके मित्र मरे हों. तो अब पुअर कीशा गौतमी, द पुअर कीशा गौतमी नाउ रेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस. अब बेचारी कीशा जो थी वो घर घर गई और एंड द पीपल पिटिएटेड हर, और लोगों ने उस पर दया भी दिखाई एंड कहा और कहा हेयर इन मस्टर्ड सीड, ये सरसों के दाने हैं दे दीजिए ले लो. बट वेयर सी आज, लेकिन जब वेन सी आज, लेकिन जब उसने कहा डिड ए सन और डॉटर और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में आपका बेटा बेटी माता पिता कोई मरा है परिवार में. दे आंसर हर, तब वो उत्तर देते थे एलॉस द लिविंग आर फ्यू, बहुत मतलब तब जब वो ऐसे कहने लगी तो जब उन्होंने कहा कि माता पिता में से कोई मरे हैं तो उन्होंने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, एलॉस ये तो दुख का विषय है, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, कि बहुत कम जीते, जो लोग जीते हैं वो बहुत थोड़े हैं, मतलब जो लोग बचे हैं वो बहुत कम हैं और जो लोग मर गए हैं वो ज़्यादा हैं. बट द डेड आर मैनी, बहुत सारे लोग मर गए. डोंट रिमाइंड अस ऑफ योर डीपेस्ट ग्रीफ, अब आप मुझे उस गहन दुख को मत दोहराइए, अब मेरे दुख को और अधिक मत दोहराइए. एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, ऐसा एक भी घर नहीं था जहाँ उसका प्रिय ना मरा हो. तो बच्चों टिक लगाइए, आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया हुआ है और आप जो है आज का जो होमवर्क आप इसके साथ भेजेंगे इसकी वर्ड मीनिंग सेंड करेंगे. ओके क्लास, आज आप लोग जो है इसके साथ इसकी इस लेसन की वर्ड मीनिंग भेजेंगे. और आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया हुआ है देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड हैड डाइड इन इट. अब हम ये इसके बाद आपके नेक्स्ट वीडियो में कल यहाँ से पढ़ाएंगे कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस. ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू.